वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे हम भी खैरियत से हैं और आज मैंने सबसे पहले जो है ना वीडियो अपने सूट से स्टार्ट किया है अच्छा ये सूट है खाड़ी का और ये मुझे मिला था ट्वेंटी नाइन हंड्रेड में प्लस समथिंग होगा क्योंकि इसके चार्जेस होते हैं डिलीवरी चार्जेस होते हैं साथ लेकिन सूट की जो प्राइस थी वो इतनी ही थी अच्छा ये जैकॉट का सूट है और खद्दर में है स्लब खद्दर में ठीक है और बहुत अच्छा मतलब ना सूट है वैसे तो ये सिक्स थाउजेंड की रेंज में था लेकिन फिफ्टी परसेंट पर मैंने इसको परचेज़ किया था तो ये तकरीबन उनतीस सौ कहने तीन हज़ार ही बन जाता है तो इसका दुपट्टा काफ़ी लेंथी था और ये इसकी शर्ट है अच्छा दुपट्टा और थोड़ा सा डार्क शेड में था और जो ट्राउज़र और शर्ट है वो थोड़ी सी डिम शेड में है जिस तरह से कंट्रास किया होता है ना इस तरह से है लेकिन अच्छा सूट था आ, था नहीं है मतलब अभी है अभी उसको मैंने श्लिंग करना है और स्टिच करवाना है तो काफ़ी बहुत अच्छा है और डिज़ाइन भी अच्छा है अच्छा ये इन्होंने तीन बटन साथ भेजे हैं और एक में से ना टूटा हुआ था तो मैं सोच रही थी तीनों को तोड़ के ना ऊपर से तो बराबर कर लूँगी तो यहाँ पे मेरा सूट हो गया है आ, फाइनल मतलब इसको श्लिंग करूँगी फिर इसके साथ लेस लेके आऊँगी फिर इसको स्टिच होने के लिए लूँगी आजकल फैमिली में एक शादी भी है तो उस सिलसिले में मुझे बाजार वगैरह भी जाना पड़ रहा है एक दो तो बार गई हूँ कुछ चीज़ें लेके आई हूँ लेकिन वो अभी तक मैंने शेयर नहीं की क्योंकि वो आधी आधी हैं तो मैंने कहा थोड़ी सी ना पूरी हो जाए तो फिर ही करूँगी अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की सफाइयाँ वगैरह डस्टिंग वगैरह कभी कभी करती हूँ क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो डेली मुझसे सारे काम नहीं होते एक दिन सारा फ्रश जो होता है ना वो वॉश कर लेती हूँ फिर एक तो दूसरे दिन डस्टिंग कर लेती हूँ कपड़े वॉश किए थे वो भी मैंने तार से उतार के रखे थे यहाँ पे तो सोचा इनकी जो है ना वो तहल का लेती हूँ मैं क्या करती हूँ कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना वो प्रेस नहीं करती इस तरह से ना जब उतारती हूँ जो खुश्क हो जाते ना तो उनको तेल लगा के रख देती हूँ फिर डेली मतलब जो बच्चों ने पहने होते हैं ना ट्यूशन के लिए वो साथ साथ निकाल के ना एक, -एक सूट का प्रेस कर देती हूँ तो यहाँ पे हो गया था रात का टाइम और जनाब यहाँ पे हम आए हैं पिज़्ज़ा खाने क्योंकि तो अनान की जो बर्थडे थी ना वो आई थी जब अन बीमार था मैंने उसकी वीडियो भी शेयर की थी तो एान से खाया नहीं जा रहा था कुछ भी उसके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले बने हुए थे तो मेरे बच्चों को इतना केक जो है ना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं तो अन ने कहा था कि मैंने अपनी बर्थडे का पिज़्ज़ा खाना है तो इसलिए आज हम फाइनली जो है ना वो बाहर आ ही गए थे तो यहाँ पर जो है ना वो पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं इनके बाबा हैं मैं हूँ और बच्चे हैं बस तो अभी ये लोग खाएंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा और अयान से हमने कहा कि आप पिज़्ज़ा काटो और हम आप एक क्लैपिंग करते हैं बर्थडे की अहमद ने अच्छा यहाँ पे मंगवाया था जिंगर क्योंकि अहमद को जिंगर पसंद है तो वो गया था मैंने जिंगर खाना है हालांकि उसने पिज़्ज़ा भी साथ थोड़ा सा चेक कर लिया था तो ये होता है कि फिर वो जिंगर जो है ना वो बाकी थोड़ा बहुत ले लेते हैं तो अगले दिन मैंने कहा कि आप खाए आप अब खाओ दाल और उसके साथ मैंने दाल बनाई थी रैंडमली वैसे ही मतलब जो सारे बनाते हैं ना तो ईमान ने ज़िदगी के साथ में चावल भी बना के तो मैंने जल्दी से ना एमरजेंसी में सिर्फ एक कप जो है ना चावल मैंने भिगोए और उनको मैंने सिर्फ ज़ीरा वाले चावल बनाए थे तो साथ में शहरी भी आया हुआ है आज तो बच्चे यहाँ पे डिनर कर रहे थे रात का टाइम था और ये अगला दिन है और बादल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ गए थे मौसम काफ़ी ख़राब सा हो गया था हालांकि ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है ठीक है धूप थी इससे पहले तो यहाँ मैंने कपड़े जो रात को मतलब निकाले थे मशीन से वो मैंने फिला दिए थे और अभी ये सूखे हुए थे मैंने सोचा कि इनको उतार लेती हूँ क्योंकि अगर बारिश आ गई तो ये फिर से गीले हो जाएंगे और फिर मुझे फलाने के लिए जगह ढूँढनी पड़ेगी कमरों में कहाँ इनको फेंकूँ तो मैंने सोचा कि बारिश आने से पहले पहले जो है ना वो कपड़े सारे उतार लेती हूँ तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े उतार लिए थे अच्छा ये ना एक कहवा है जो आजकल मैं तकरीबन पिछले तीन चार दिन से ना यूज़ कर रही हूँ अपना जो है ना वज़न कम करने के लिए तो अगर एक मंथ में इसको यूज़ करूँगी अगर ये इफ़ेक्टिव हुआ और इसने कुछ फ़र्क डाला तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में पूरी तफसील और किचन मैंने साफ़ कर लिया था बर्तन वॉश कर थे। लिए थे क्योंकि मैं अकेली ही सब काम कर रही हूँ तकरीबन पिछले दो मंथ से मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है तो मुझे खुशी होती है जब मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ अच्छा ये एक और रेमडी है ये हेयर्स के लिए है और ये आजकल मैं ईमान के बालों में इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी इसका जो रिज़ल्ट आएगा फिर मैं इसको भी आपके साथ शेयर करूँगी तो बच्चे यहाँ से स्कूल से आए थे और उनको मैंने जाम शीप बना दिया था आते ही जो है ना वो अच्छा इनको गर्मियों की आदत पड़ी हुई गर्मियाँ होती थी ना तो आते ही कमरे में घुस जाते थे ए सी ऑन कर लेते थे तो अभी तक इन ये आदत जा नहीं रही तो आई पैड लगा लेते हैं साथ और साथ में पानी वगैरह जूस वगैरह जो भी पीना होता है तो यहाँ पे अभी भी मुझे अपना एक पार्सल रिसीव हुआ है ये रेशमी सूट है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है तो इसकी वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी आज की वीडियो जो है ना वो मेरी इतनी ही है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा दुआ में याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें वीडियो को लाइक कर दिया करें हाफिज़